Hey guys, good morning. So in this video, I'll be talking about 4-5 companies. सारे B2C सेगमेंट में हैं ये, आपने तो नाम देखे होंगे, सब B2C सेगमेंट में है, कंजम्पशन स्पेसेस में है, और आप में से बहुत लोगों तो ये सारे प्रोडक्ट्स ऑन अ डे टू डे बेसिस भी यूज़ करते हो या इनके दुकानें देखते रहते हो। ठीक है, तो चलिए एक एक करके इनके बारे में डिस्कस करते हैं। बाय द वे, ये सब क्वार्टर फोर का बिजनेस अपडेट्स है। बिजनेस अपडेट्स बेसिकली कंपनीज देते हैं उनका क्वार्टरली पूरा फुल रिजल्ट्स से पहले। ठीक है, तो जो जो भी अपडेट्स मिला है मुझे, मैंने आपने देखा होगा कि लाइक ट्विटर में या लिंक्डइन में सारे अपडेट्स के बारे में जो पोस्ट डालता हूँ, मैं उसी का ही एक वीडियो बना के देता हूँ, सो दैट यू कैन गेट अ फेयर आइडिया और कुछ ज्यादा इनसाइट्स जो लेट से मैं लिख नहीं पाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम डीमार्ट के बारे में बात करते हैं। तो डीमार्ट का अपडेट ढंग का ही आया है। अगर आप देखोगे डीमार्ट का Q4 ओवर लास्ट Q4 में सेल्स ग्रू 19%। तो पहले का कुछ पिछले 4-6 क्वार्टर में हमने देखा था कि सेल्स का पेस ऑफ ग्रोथ डीमार्ट का घट गया था, 16-18% के आसपास कर रहा था, लेकिन इस बार 19% से सेल्स का ग्रोथ किया। ठीक है, YOY लेवल पे, तो वो बुरी बात है नहीं। दूसरा बात, आपको डीमार्ट का बिजनेस मॉडल की एक चीज देखना पड़ेगा कि उनका दो मेजोरिटी सेगमेंट है। ठीक है, एक है कि उनका जो से फॉर एग्जाम्पल जो लो मार्जिन वाले सेगमेंट्स है, मतलब क्या, फूड एंड नॉन फूड FMCG सेगमेंट्स। ठीक है, फूड FMCG सबको पता है, खाने पीने का जो भी सामान हो, अपने तो डीमार्ट गए होंगे तो आपको पता ही होगा राइट, के लाइक ये जो भी सब्जी मिलता है, ये सारे जो पनीर मिलता है, जो भी खाने का सामान, वो फूड FMCG के अंदर आता है राइट, और ये सब थर्ड पार्टी ब्रांड्स होते हैं। और दूसरा है कि नॉन फूड FMCG, लेट्स से कोई टॉयलेटरी पेपर हो गया, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये जो फूड एंड नॉन फूड FMCG का पार्ट है, ये लो मार्जिन वाला सेगमेंट है डीमार्ट का। और दूसरा एक जो सेगमेंट है वो है कि आपका अपैरल, शूज एंड वो दूसरा एक सेगमेंट है जो कि हाई मार्जिन है। डीमार्ट का प्रॉब्लम ये आ गया था कि जो हाई मार्जिन वाला सेगमेंट था उसमें उतना ग्रोथ आ नहीं रहा था जितने ये लो मार्जिन फूड एंड नॉन फूड FMCG स्पेसेस में आ रहा था। तो इससे क्या हुआ, डीमार्ट का मार्जिन अगर आप देखोगे इन द पास्ट 4-6 quarters मार्जिन उनका घटते जा रहा था। ठीक है, सो ऑफकोर्स ये अपडेट है, पूरा इनकम स्टेटमेंट मिला नहीं, सो ऑफकोर्स हमें यही देखना पड़ेगा कि एक तो चलो सेल्स का जो ग्रोथ है वो 19% आया है, उसके साथ साथ अगर ये नॉन फूड एंड फूड एंड द नॉन FMCG वाला सेगमेंट है, जैसे ये कपड़े हो गए, जूते हो गए, सो ऑन एंड सो फोर्थ राइट, अगर ये वाला सेगमेंट में वापस ग्रोथ आता है राइट, तो इसमें क्या होगा, डीमार्ट का सेल्स के साथ इनको ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल सकता है, लेकिन वो तो हमें देखना पड़ेगा। लेकिन जो Q4 का अपडेट है, उस अपडेट से लगता है कि लाइक डीमार्ट का रिजल्ट तो बुरा नहीं आया है। अब मैं क्या सोच रहा हूँ कि लाइक देखिए, अगर आप मुझे बताते हो कि लाइक 100 के PE में कोई स्टॉक है और वो 18-19% से अपना टॉप लाइन को ग्रो कर रहा है राइट, मैं उतना इंटरेस्टेड होता नहीं हूँ ऐसे कंपनीज में। बिकॉज सोचिए ना, आज हमारे देश में मतलब बहुत ऐसे कंपनीज है, अगर आप उसको ढूंढो तो आपको मिल जाएगा जो 30-40 के PE में आपको 25-30% का सेल्स का ग्रोथ दे रहा है। ऑल्दो आई डू अंडरस्टैंड डीमार्ट इज अ वेरी स्ट्रक्चरल स्टोरी, बट जनरली क्या होता है ना कि लाइक कभी कभार बिजनेस बहुत अच्छा होता है, लाइक डीमार्ट इज अ ग्रेट बिजनेस मॉडल, लेकिन क्या होता है ना, वो बिजनेस डील अच्छा नहीं होता है स्टॉक मार्केट में। ठीक है, तो अच्छा धंधा और अच्छा बिजनेस डील में कतई मतलब फर्क होता है इन द मार्केट। दूसरे साइड में अगर आप देखोगे ना कि डीमार्ट का जो स्टोर एक्सपेंशन का रेट है वो उतना अच्छा नहीं है, मतलब अभी आप देखोगे उनका कुछ 360 के आसपास स्टोर्स है, और एनुअलाइज्ड लेवल पे दे आर इंक्रीजिंग स्टोर्स एट 5-10% के बीच में, सो स्टोर एक्सपेंशन का पेस भी उस रेट से होता नहीं है राइट, जो से 3-4 साल पहले होता था राइट, और इतने हाई PE में अगर मुझे लेट्स से 17-20% का भी ग्रोथ मिलता है, सो दैट माइट नॉट बी द ग्रेटेस्ट ऑफ बिजनेस डील्स फॉर मी। बाय द वे, ये सब मैं बोलता हूं कि मेरे दिमाग में, दिल में जो चलता है मैं वही आपके साथ शेयर करता हूं, कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। अब चलिए डीमार्ट के बाद दूसरे कंपनीज के बात करते हैं, डाबर एंड मैरिको, जो जिसको मैं बोलता हूँ पूरा ग्रैंडफादर स्टॉक्स। ठीक है, सारे जगह फैल चुके हैं और इनमें कोई ग्रोथ है ही नहीं बिजनेसेस पे। आप अगर डाबर एंड मैरिको का Q4 का अपडेट देखोगे तो दोनों ने क्लियरली यही मेंशन किया है कि हमारा ग्रोथ आएगा इन लो सिंगल डिजिट। तो हमारा जो रियल GDP ग्रोथ ऑफ द नेशन है वही 6-6.5% के आसपास होता है, और अगर कोई कंपनी है जो रियल GDP से भी नीचे ग्रो कर रहा है तो उसका स्टॉक तो पैसा नहीं बनाएगा। अब डाबर एंड मैरिको में देखिए, जिसका पूरा बिजनेस का सेल्स का ग्रोथ ही है लो सिंगल डिजिट। ठीक है, मतलब 3-5% होगा, वॉल्यूम ग्रोथ होता नहीं है। अब उसमें घुस के हम क्या देखना है कि लाइक पैराशूट ने कितना किया। बाय द वे, मैरिको का भी अगर आप देखोगे ना, पैराशूट का भी ग्रोथ नहीं है, सफोला का भी ग्रोथ नहीं है। ठीक है, मतलब ये सारे कंपनीज में क्या है ना कि लाइक वो जो पीरियड था वो गोल्डन पीरियड वो हो चुका है, अभी ये बड़ा कंपनी बन चुका है, और अब ये क्या करता है ना, पूरे साल में जो प्रॉफिट बनाता है वो डिविडेंड में आपको दे देता है, इसीलिए आप देखते हो कि ऐसे स्टॉक्स नीचे नहीं जाता है।
बिकॉज स्टॉक्स नीचे नहीं जाएगा तभी जब आपको पता है एज एन इन्वेस्टर के लाइक ये कंपनी तो अपना पूरा प्रॉफिट लेके हमें दे ही देगा, है ना। तो डिविडेंड पे आउट रेशियो इज वेरी हाई फॉर दिस काइंड ऑफ कंपनीज। लेकिन अगर ग्रोथ नहीं है ना तो कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं होगा। तो आज मैं देखता हूँ बहुत लोग डाबर मेरिको में इन्वेस्टेड रहते हैं, तो आपने ये ऑब्जर्व किए होंगे कि आपका स्टॉक नीचे नहीं जाता है, ऊपर भी नहीं जाता है, और आपको ये डिविडेंड का चेक मिलते रहता है हर 3-6 महीने में, ठीक है। लेकिन अगर आप एक एक्टिव इन्वेस्टर हो और आपको अगर हाई एक्सपेक्टेशन से मार्केट से, देन यू कांट लुक फॉर बिजनेसेस लाइक डाबर एंड मेरिको इन योर एंड कीप इट इन योर पोर्टफोलियो एंड थिंक लाइक ओके आई एम गोइंग टू मेक 20% CAGR इन इट, वो पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गई बात। अब चलिए दो और इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल का बात करते हैं इस वीडियो में ही। फोर्थ वाला नाम है, उसका नाम है कि क्रेडो ब्रांड्स। तो क्रेडो ब्रांड्स आपने देखा होगा, ये आपका एक अपैरल का एक एक कंपनी है जो मेंस अपैरल में ज्यादा है। तो आपने क्रेडो ब्रांड्स का एक एक उनका एक सब मतलब उनका एक ब्रांड है मुफ्ती करके, ठीक है। तो ये कंपनी का बहुत रिसेंटली आईपीओ आया, आई थिंक 2-3 क्वार्टर पहले इनका आईपीओ आया। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रहा है कि इस कंपनी ने आईपीओ के टाइम पे जो जो भी चीजें बताया ना, उसके बाद से कंपनी उसको डिलीवर नहीं कर पा रहे। मतलब क्या, आईपीओ के टाइम कंपनी क्या क्या चीजें बताया था कि अगले 4 साल में हम अपने सेल्स को डबल करेंगे और 22% का CAGR से सेल्स को ग्रो करते रहेंगे YOY। लेकिन पिछले क्वार्टर में भी Q3 में भी इनका सेल्स का ग्रोथ आया YOY लेवल पे 15%। मतलब देखिए 20-22% से 15% हो गया। और ये जो Q4 का अपडेट आया इसमें से इनका सेल्स का डीग्रोथ हुआ है। मतलब ये Q4 में जो सेल्स का नंबर आया, दैट नंबर इज लोअर देन द Q4 का सेल्स का नंबर इन द लास्ट फिस्कल, गॉट इट। सो इसका क्या मतलब, इसका मतलब यही है ना कि मैनेजमेंट ने जो गाइड किया था एग्जीक्यूशन वो हो नहीं रहा है। अब इसका बहुत सारे रीजन है ना, बिकॉज आप देखोगे मतलब आज अगर आप हमारे देश में अपैरल्स कंपनीज को देखोगे ना, तो मेजॉरिटी अपैरल कंपनी स्ट्रगल कर रहे हैं और वही सेम कहानी के लिए इन्फ्लेशन बढ़ गया है, डिमांड पे प्रॉब्लम आ गया है, यू कांट पास ऑन द हाई रॉ मटेरियल कॉस्ट, फिर जैसे सप्लाई चेन में इश्यूज है, ये है वो है। बट हैविंग सेड दैट ना, मार्केट को इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अभी ये क्रेडो ब्रांड्स का अपडेट में उन्होंने ये भी बताया कि आगे जाके ये लोग मिड डबल डिजिट से ग्रो करेंगे, 15% से ग्रो करेंगे, जबकि लास्ट क्वार्टर में बताया था कि वो 18% से ग्रो कर पाएगा, राइट। तो इसका क्या मतलब कि आपका मैनेजमेंट गाइडेंस को घटा रहा है। यही चीजें आपको देखना पड़ता है when you research a company and you know track it, because कोई भी मैनेजमेंट अगर कोई गाइडेंस देता है और उसका एग्जीक्यूशन कर नहीं पाता है और वो अपना आगे जाके गाइडेंस को और घटाता है, उसका स्टॉक चलना बंद कर देता है, मतलब ऊपर तो नहीं जाता है, ठीक है। सो पॉइंट यहां पे आता है कि जो 20% वाला कंपनी जो आईपीओ के टाइम बोला था वो 20 से 18 से अभी 15 बता रहा है, गोइंग फॉरवर्ड 15 करेगा, राइट। मतलब वैसे कंपनीज में आप रखोगे तो मतलब अब देखो, अब दूसरे एंगल से भी देखोगे ये स्टॉक सस्ता भी दिखता है, इसका पी रेशियो बहुत कम है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन पी रेशियो इसका सस्ता क्यों दिख रहा है, ये सस्ता इसीलिए दिख रहा है बिकॉज इसका पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ घट रहा है और मैनेजमेंट गाइडेंस मतलब मैनेजमेंट का गाइडेंस भी घट रहा है, गॉट इट। तो इस एंगल से आपको एक कंपनी को एनालिसिस करनी चाहिए। चलो ये तो मैंने क्रेडो का कर लिया, आप कोई भी कंपनी को ना इस एंगल से देखना, क्योंकि कोई भी मैनेजमेंट अगर लेट से अपना गाइडेंस घटाता है या गाइडेंस देना बंद करता है, मतलब आपको पता है कि लाइक यू नो ये इस कंपनी में प्रॉब्लम चालू हो चुका है, ठीक है। लेकिन हम इसको ट्रैक करेंगे और इसमें इन्वेस्टमेंट करने का तब सोच पाएंगे जब लेट से फॉर एग्जांपल इस कंपनी का मैनेजमेंट अपना गाइडेंस बढ़ाता है और एक बुलिश टोन लाता है अपने बिजनेस अपडेट्स और अपने कॉन कॉल में, ठीक है। तो ये बनता है क्रेडो ब्रांड्स का, ठीक है, क्रेडो ब्रांड्स का तो हो गया। अब एक अच्छी कंपनी के बारे में बात करते हैं, वो है कि V2 रिटेल, ठीक है। V2 रिटेल अगर आप देखोगे, V2 रिटेल जो कंपनी है उनमें पहले विशाल मेगामार्ट हुआ करता था, ठीक है। सो V2 और विशाल मेगामार्ट मिलके ये कंपनी का प्रोमोटर ने इनको चालू किया था। लेकिन अ फ्यू इयर्स बैक, ये कुछ सालों पहले की बात बोल रहा हूं, कंपनी ने क्या किया, कंपनी बहुत लॉसेस में चला गया था, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, विशाल मेगामार्ट को अपने पोर्टफोलियो से पूरा निकाल के मतलब बेच दिया, ठीक है, क्योंकि विशाल मेगामार्ट से कंपनी को बहुत ऑपरेशनल लॉसेस हो रहा था। तब क्या हुआ, उसके बाद से इस कंपनी का टर्न अराउंड का जर्नी चालू हुआ। आप इस कंपनी का सकते हो पिछले 3-5 साल में बहुत लॉसेस खाया है, लेकिन रिसेंटली कंपनी लॉस टू एक प्रॉफिट जर्नी में चल रहा है और इनका सेल्स ग्रोथ बहुत ही तगड़ा है। सो अगर मैं Q4 का भी अपडेट का बात करूं ना, इनका Q4 ओवर Q4 ऑन अ YOY लेवल सेल्स ग्रू आई थिंक 53% ऑन अ YOY बेसिस। पिछले 2 क्वार्टर से दे आर डूइंग मच बेटर देन से फॉर एग्जांपल द अदर रिटेल अपैरल प्लेयर्स। V2 रिटेल बाय द वे एक रिटेल अपैरल प्लेयर है, ठीक है, जो से फॉर एग्जांपल आज आप देखोगे ये सेमी अर्बन रूरल एरियाज में इनका प्रेजेंस
ज्यादा है देन लेट्स से द टायर वन सिटीज. ये लोग वी टू रिटेल के ब्रांड में ही, मतलब अपने ब्रांड के नीचे ही ये लोग अपने अपने कपड़े सामान बेचते हैं. अब पॉइंट यहां पे आता है कि लाइक कंपनी कॉन कॉल्स नहीं करता है, ठीक है. सो आई कांट गिव यू एग्जैक्टली कि क्या क्लैरिटी है मैनेजमेंट का, क्या मतलब डिटेल प्लान्स क्या है, बट ऑल आई कैन टेल यू कि लाइक वी टू रिटेल बहुत अच्छा कर रहा है. अगर आप पूरा ये अपैरल रिटेल का स्पेसेस में देखोगे ना, तो वी टू रिटेल और ट्रेंड एक साइड में है, ठीक है, बिकॉज दोनों 50-60% से ग्रो कर रहा है, जबकि बाकी का जो प्लेयर्स है जैसे मोंटे कार्लो हो गई, रेमंड्स, फिर आपका ये जो अभी जो मैंने बात किया क्रेडो ब्रांड्स, आदित्य बिरला फैशन, इनमें कोई ग्रोथ दिख नहीं रहा है. वी मार्ट भी एक करके कंपनी है जिसमें कोई ग्रोथ नहीं है, ठीक है. तो अब यहां पे बात आता है कि लाइक ट्रेंड, जिसका आपको पता ही होगा ये जूडियो के वजह से, ऑफकोर्स ट्रेंड का Q4 का अपडेट आया नहीं है सो आई वोंट बी एबल टू गिव यू द नंबर, लेकिन ट्रेंड का भी आप देखे होंगे 50-60% से अपने सेल्स को बढ़ाते जा रहे हैं लाइक ऑन द पावर ऑफ जूडियो, ठीक है. तो जूडियो है वही आपका जो जो फैशन रिटेल स्टोर्स है, जो से फॉर एग्जाम्पल आपको 300 रुपए और 2000 रुपए के अंदर आपको सारे कपड़े मिल जाते हैं, ठीक है. सो वैल्यू फैशन है, लेटेस्ट ट्रेंड सारी चीजें हैं और आपको सस्ते दामों में भी मिलता है. तो वी टू रिटेल भी कुछ उस तरीके से ही है, ठीक है. जबकि ऑफकोर्स आई बिलीव जूडियो इज अ बेटर ब्रांड देन वी टू का, बट हैविंग सेड दैट ये कुछ तो अच्छा कर रहा हो, जैसे कि यह ग्रोइंग एट 50%, जबकि आपका जो दूसरा वैल्यू रिटेल अपैरल जो चेन्स है लाइक वी मार्ट, मोंटे कार्लो एंड ऑल दैट, लाइक क्रेडो, इनमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ठीक है. तो ये भी आपको देखना पड़ेगा. तो ये यहाँ तक ही आज रखते हैं. तो ऑफकोर्स ये जो 4-5 कंपनीज हमने डिस्कस किया, वी टू रिटेल आप देखना, क्योंकि वी टू रिटेल का वही है. वी टू रिटेल का तो आई गेस अपना अगला वही आपका एनुअल जनरल मीटिंग आपको अटेंड करना पड़ेगा ऑनलाइन, और वही आप मैनेजमेंट से ज़्यादा सवाल पूछ पाओगे, क्योंकि कॉन कॉल करता है नहीं, होपफुली ये करे. बाकी के कंपनीज में अगर मैं बात करूं तो क्रेडो ब्रांड्स मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है. मतलब इस पॉइंट पे तो एकदम ही नहीं, ट्रैक करते रहेंगे, आगे जैसा होगा उस एंगल से देखेंगे. मैनेजमेंट कमेंट्री सुनने इंपॉर्टेंट है. डाबर और मैरिको से तो एकदम ही दूर, बिकॉज इतना बड़ा कंपनी बन चुका है, राइट. मतलब उस कंपनीज में अभी ग्रोथ कहां से आएगा, राइट. मतलब अब जो भी आप च्यवनप्राश और शैम्पू का नया वर्जन निकाल लो, या जो भी आप सफोला का नया एक वेरिएंट का तेल निकाल लो, वो ग्रोथ कभी आने वाला है नहीं. वो सिर्फ डिविडेंड प्लेस है, जिसको मैं बोलता हूं ग्रैंडफादर स्टॉक्स. और डीमार्ट में ऑफकोर्स पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ थोड़ा बहुत बड़ा है, लेकिन अभी हमें देखना पड़ेगा वही जो अपैरल वाले सेगमेंट है, अगर उसमें ज्यादा ग्रोथ आती है तो डीमार्ट का मार्जिन का एक्सपेंशन होगा. क्योंकि अगर मार्जिन एक्सपेंशन हुआ विथ 19% ग्रोथ, देन आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैन ग्रो एंड ईपीएस कैन ग्रो एट अ फास्टर पेस देन द पेस एट विच द सेल्स आर ग्रोइंग. तो बस यही है, कुछ सवाल हुआ तो प्लीज लेट मी नो.